ये औरंगी टाउन दरगाह टूर का पार्ट 3 है। ये दरगाह औरंगी टाउन गुलशन बिहार में तारा पैलेस हॉल के बराबर वाले गली में है। ये तो गाय मस्तान शाह का दरगाह है। इस दरगाह का आपको मुकम्मल ज़्यारत आपको करूँगा मैं, वह मुलाक मुकम्मल देख लो, बहुत ही मालूमती व्लॉग होने वाली है। और गाय हमसे किसी को भी रब्ता करने कहीं के भी व्लॉग बनानी हो कोई दरगाह को या कोई इंटरेस्टिंग जगह हो तो हमसे रब्ता करें। स्क्रीन में हमने अपना नंबर दिया है तो रब्ता कर सकते हैं हमें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके सपोर्ट हमारे साथ रहे, हमारे मेहनत और मज़ीद जारी रहे। और बाद हमारा वीडियो मुकम्मल देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात वीडियो। بسم الله الرحمن الرحيم तो बाद हम पहुँच चुके हैं मस्तान शाह बाबा के मज़ार में, मज़ार के करीब पहुँच चुके हैं। गुलशन बिहार में बाबा का मज़ार है मस्तान शाह बाबा का। माशाल्लाह सामने गुंबद नज़र ही आ रहा है, बाबा का गुंबद नज़र आ रहा है माशाल्लाह। तो चलते हैं अंदर के भी ज़ियारत कराते हैं आपको। मैं देख लिया गुंबद है बाबा का मस्तान शाह बाबा का। ये दरगाह है गुलशन बिहार में। इश्तमागा के फ्रंट साइड है, ये पीछे साइड है। इश्तमागा का बैक साइड है, ये बैक साइड में, बैक साइड में ये कौन सा हॉल के साथ है? तारा पैलेस हॉल के साथ है ये। अभी आए हैं हम मोहम्मद हसन भाई के साथ, उन्होंने बुलाया था तो आए यहाँ के गुजारत कराएंगे। और भाई कुछ भी करें कि मेरे अपनी पहली मरतबा हाजिर हुई यहाँ की, तो चलते हैं ज़ियारत करते हैं यहाँ की हम। तो गाय औरंगी टाउन दरगाह टूर का पार्ट 3 है। मस्तान शाह बाबा का दरगाह का आज व्लॉग आपको देखेंगे, बहुत ही मालूमती व्लॉग होने वाली है। तो व्लॉग मुकम्मल देख लो। और हमारे चैनल का नाम एसएस ताजी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कहीं की वीडियो बनानी हो तो नीचे इंस्टा आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर अपने अपने दिया है, या तो कमेंट्स करके हमें कहीं पर बुलाना हो तो बुलाएँ। किसी दरगाह हो कोई ऐसी जगह हो तो बुलाएँ, वहाँ जाएँगे व्लॉग बनाने। और गाय से व्लॉग मुकम्मल देख लें, बहुत ही मालूमती व्लॉग होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके सपोर्ट हमारे साथ रहे, हमारे मेहनत मज़ीद जारी रहे। आगे हमें यहाँ से जो भी मालूम मिलेगी हम आप तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हम मस्तान शाह बाबा के दरगाह में, देख लें माशाल्लाह ये गुंबद माशाल्लाह प्यारा प्यारा सुभान अल्लाह। ये गुंबद है मुबारक, मस्जिद से मस्जिद भी बाशानी वालों ने बनाया है माशाल्लाह। दरगाह का सारा इंतजाम जो बाशानी के हाथ में है, बाशानी मिठाई के इनके अपने सिस्टम है तो उनके हाथ में सारा सिस्टम यहाँ का। तो गाइस चलते हैं मज़ार के अंदर, मेन गेट है मज़ार का। बाबा का पूरा नाम है सैयदना मुर्शिदना शाह मोहिद्दीन मोहिद्दीन अल मारूफ मस्तान शाह बाबा दरगाह मोहम्मदी। सुभान अल्लाह देख रहे मोहम्मदी, वाकई मोहम्मद के लामों का, मोहम्मद के चाहने वालों का शान ही अलग है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो चलते हैं अंदर, जो भी ज़्यारत करेंगे जो मालूमात मिलेंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। मालूमात सारे खिदमतगार यहाँ की जो गद्दी नशीन होगा जिनसे हमारा मुलाकात होगी तो बाबा के बारे में कुछ मालूमात लेंगे, बाबा के करामात के बारे में, बाबा के ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात लेंगे और आप तक मालूमात पहुँचाएँगे हम। तो चलते हैं आगे। सलाम अलैकुम बाबा, कैसा तबीयत आपका और नाम क्या आपका? सलाम नाम है वो, आप खिदमतगार हैं यहाँ के बाबा के? वो नमाज पढ़ने। अच्छा खिदमतगार हैं, नमाज पढ़ने। आपको बाबा के बारे में कुछ मालूम है? वो आएंगे टू पर आएंगे। अच्छा नमाज पढ़ने भी गए, तो माशाल्लाह वो गए नमाज पढ़ने। जब तक आएंगे तो हम आपको बाबा की कब्र मुबारक की ज़ियारत कराएंगे। यहाँ से जाना पड़ेगा अंदर, अंदर यहाँ से जाना। तो गाइस खिदमतगार गए नमाज पढ़ने, जब तक वो आएंगे तो मज़ार का गेट खोलेंगे तो रोज़ा मुबारक को ज़ियारत कराएंगे। जब तक अंदरूनी मनाज़र आपको दिखाएंगे, अल्लाह मुबारक हो गया, अंदरूनी जो सेन वगैरह हो गया मज़ार का आपको दिखाएंगे जब तक वो। तो गाइस देख लें माशाल्लाह ये अल्लाह मुबारक है सुभान अल्लाह। गाइस बहुत प्यारा पुरसकून नज़ारा है अल्लाह गाज़ी अब्बास अल्लाह यहाँ का सुभान अल्लाह। गाइस अंदरूनी मंदिर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंदिर है मज़ार का। तो ये अंदर से इन्हें नमाज पढ़ने की जगह भी है यहाँ। तो जब तक खिदमतगार आएंगे वो अंदरूनी गेट खोलेंगे, उधर कब्र मुबारक वाले गेट खोलेंगे तो हम आपको वहाँ की ज़ियारत भी कराएंगे। जब तक ये सेन वगैरह अंदरूनी जितने
सब कुछ और उनकी ज़्यादा आपको कराएंगे और दिखाएंगे आपको। तो ये देख ले बाहरी फर्श मैदान है, तो महफिल समा वगैरह सब कुछ यहाँ पे होता है, वजू खाना बने हुए यहाँ पे। तो गाइस जो पहला गुंबद नज़र आ रहा है ये मस्तान शाह बाबा का खलीफा का है, यहाँ तो उस तरफ बोला मस्तान शाह बाबा का है। तो गाइस हम आए थे मस्तान शाह बाबा के दरगाह में, यहाँ के ब्लॉग बनाने में आए थे, तो हमारे मोहम्मद हसन भाई ने जो है दो और दरगाह है वहाँ पे, एक 7 नंबर पे और 13 नंबर पे, उन दोनों को भी ज्यारत के लिए लेके गए। तो कहा वहाँ का भी व्लॉग बना देना, तो वहाँ के व्लॉग पहले बनाए हमने, तो एक थे रोशन अली शाह ना जी, एक रोशन अली शाह और दूसरे गए 7 नंबर वाले हुआ शेर अली शाह। तो दोनों का भी आपको तैरत करा दी हमने। तो बस अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करके हम बताएं, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपकी सपोर्ट रहेगी हमारे साथ, मज़ीद हमारे चैनल हमारा ये काम जारी रहेगा। तो जब तक हम इंतज़ार करते हैं खिदमतगार आएगा, तो आपको बाबा की रोज़ मुबारक की ज़्यारत करेंगे और जो मालूम उनसे मिलेंगे हम तक पहुँचाएँगे। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो गाइस फाइनली दरवाज़ा खोल दिया, अब अंदर के ज़्यारत तक वो कराएँगे यहाँ का। तो गाइस ये कब्र मुबारक है, देख लो माशाल्लाह कितना पुरसकून है, आज इतवार का दिन है, कितने ज़ाहरीन आए हैं दरबार में। और यहाँ से हमें एक और मालूम मिल चुकी है कि जो ये कब्र मुबारक है ये अंदर बनी हुई है, अंदर की तरफ, ऊपर से तो ऐसे बने, अंदर की तरफ बनी है, तो यहाँ गेट भी बना हुआ है एक, वो गेट जो है जुमरात वाले दिन खुलता है, वो गेट भी आपको दिखाएंगे हम, वो गेट जुमरात वाले दिन खुलता है, तो अंदर लोग जाते हैं ज़्यारत करने के लिए। जुमरात वाले दिन जो बाशानी वाले जो इंतज़ामिया यहाँ के जो सज्जदा नशीन कादमीन वगैरह यहाँ के जो वो आते हैं, तो खुद को गेट खोल देते हैं, तो लोग जाते हैं ज़्यारत करने अंदर, तो गेट भी आपको दिखाएँगे अभी ज़्यारत कर लें माशाल्लाह। कि अल्लाह के वली के दर ऐसा जो भी मांगोगे भरपूर कर मिलेगा, कोई काली लौटा नहीं जाएगा यहाँ से, इनके वसीले से अल्लाह पाक मुकम हर चीज़ का तमन्ना रखोगा दे देगा अल्लाह पाक, औलाद का, कोई बीमारी का, कोई सभी चीज़ का मांगोगे तो मिल जाएगा यहाँ से। देख लें माशाल्लाह कितने ज़ाहरीन आए हैं, कितने पुरसकून दरबार है ये माशाल्लाह। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद मोहिद्दीन और मोहम्मद शाह मस्तान बाबा वाला सैयद सुबहान अली। तो यहाँ और जो है उर्स मुबारक रजब को होता है, रजब को यहाँ उर्स मुबारक होता है बाबा का। देख लें माशाल्लाह सुबहान अली कितनी प्यारी नक्श बनी है, सूरतें लिखी हैं यहाँ पे, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितनी प्यारी नक्श सूरत लिखी हैं, इतने खूबसूरत मंजर है यहाँ का। तो ये जुमरे मुबारक यहाँ का गुंबद मुबारक है, वो नीचे तेग हर दिन रात को खुलता है वो मज़ा। अच्छा, और जुमरात के दिन खुलता है? जी हर दिन रात को खुलता है, हर बंदा जानेंगे। तो
तो जुमरात के दिन मतलब लोग अंदर जाते हैं जी, जुमरात को खुलता है बस, जुमरात को बस एक ही दिन खुलता है जुमरात वाले दिन बस। खुलने का टाइम इसका वो मतलब सुबह वही मगरिब के टाइम, मगरिब के टाइम जाना है। तो गाइस अभी चलते हैं खलीफा के कब्र मुबारक को ज़ियारत करेंगे, तो देख लें खलीफा कब्र मुबारक को ज़ियारत करें। अस्सलाम वालेकुम, वह दिए फैले माए खलीफा के कब्र मुबारक में जाके भी आपको ज़ियारत कराएंगे, ज़ियारत करें आप भी। देखने माशाल्लाह कितने प्यारा खूबसूरत नक्श बने हुए, कितने प्यारा सूरतें लिखी हुई हैं माशाल्लाह। सैयद मोहम्मद मंसूर अली शाह और मोहम्मद आशिक हुसैन तारिक हुसैन मानशो कितने रात भी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको मुकम्मल ज़ियारत करा दी यहाँ की। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हम बताएं, और मजीद किस तरह की वीडियो बनानी है हम बताएं, और इंशाल्लाह पार्ट टू में आपको मुकम्मल यहाँ के और ज़्यारत कराएंगे। और यहाँ के जो मुकम्मल मालूमात है सजदा नशीन और कादमिन वगैरह यहाँ आएँगे जुमरात वाले दिन, उनसे लेकर आप तक पहुँचाएँगे हम। ओके गाइस, खुदा हाफिज़।